वेलबशर्स, वेलकम। माइक दो ये। हाँ ठीक है। हेलो वेलबशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट ग्रेसिव फैशन टीचर इंडस्ट्री। सो वी आर ग्रेस रिटर्न एंड बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था प्लीज एक बजट वीडियो बनाइएगा ग्रेस के ऊपर एंड आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, आपने कैसे ट्रैवल किया। सो आज हम आपको एवरीथिंग इन डिटेल में बताने वाले हैं और हम कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें भी लेके आए हैं फ्रॉम ग्रीस एंड बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें थी, स्पेशली द ज्वेलरी आइटम्स। इतनी सारी सुविनेज और इतनी सारी ज्वेलरी आइटम्स मिली हैं मुझे, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन भी नहीं देखा है। मतलब आई एम अ ज्वेलरी लवर, सो येस आई एम गोना शो यू क्विकली वन बाय वन। सारे दुकानें चेयर के पीछे रखते हैं क्योंकि कहाँ से उठाएंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी आइटम्स हैं। पहले तो ये वाला भी आप दिखाते गाइस, ये मैं मम्मा के लिए लेके आई हूँ नीचे मदर इन लॉ के लिए। कभी मैं आपको इयररिंग पसंद करके बताओ। सो ये इनामल इयररिंग है, ये मैंने अपने ब्लॉग में दिखाए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इसमें और भी कलर्स थे। तो मम्मा को इस टाइप की ज्वेलरी पीसेज बहुत पसंद है, सो वी गॉट दीस इयररिंग्स फॉर हर। नेक्स्ट हम मैं अपने लिए ये वाला ज्वेलरी पीस लेके आई हूँ और ये गाइस मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही मतलब मैं वेस्टर्न में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जैसे मैंने इसके साथ डाल दिया हूप्स, मेरा एक्चुअली फेस कट पर बहुत सूट करता है। तुमने कहाँ से लिए थे मुझे याद नहीं। अच्छा ये तुमने वहाँ से लिए थे जो जो जिसकी वाइफ मिकनेस मैच भी कर रहे थे, लेकिन वो नेल आर्ट रही नहीं। अब वो ये पहनेगी नहीं, जब वो नेल आर्ट कराएगी सेम तो पहनेगी। क्यों, मैं बहुत स्टॉक से पहनने वाली हूँ, बहुत प्रिटी रिंग है, वेरी वेरी प्रिटी। प्रिटी तो है। के बाद मैंने लिए है नोज रिंग, बहुत ही प्यारी सी डेलिकेट सी। लास्ट टाइम मैं पेरिस से नोज रिंग लेके आई थी बट वो किसी ने नहीं। दो नोज रिंग लिया ना, दो नोज पे लिए। तो देखो कहां मेरे हैं, रुको रुको, ये कैसे दिखाओगे, पहन के दिखा दो। पहन के आएगी नहीं बट ये तो मैं अभी भी पहन सकती हूं। बोल अच्छी लगी ना, बहुत अच्छी। ये अपनी पहन रखी है, इस पे सिल्वर भी लिखी सेम, आपको पता नहीं चलेगा बट इट्स तो कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है, क्यूट। तो गाइस ये थी इतनी सारी चीजें। अब मेन चीज जो मैं लेके आई हूँ वो है टां टां द सनग्लासेस। इसकी स्टोरी प्रतीक बताएगा। इसकी स्टोरी गाइस ऐसे हुई कि एक ईगो की वॉर हो गई। एक जो ईगो होता है ना, जो लोगों को खलास कर देता है, खलास नहीं मतलब हाँ आपको कोई ना कोई लॉस कर देगा। हाँ। एक शॉप पे हम लोग गए थे जहाँ पे हम लोग को पसंद आया था, बट हम लोगों ने मतलब थोड़ा बार्गेनिंग करने की कोशिश करी, तो वो ऐसा बुरा मांगे कि छोड़ दिया। अगर ठीक है हम लोग शाम को आएंगे। हाँ, स्पेशली तब बार्गेनिंग करी हमने, बोला वी आर इंडियंस, वी कैन बार्गेन। उसके बाद ये नहीं बोला, उसने ये बोला सॉरी आई कैन नॉट डू मोर, तो आप अच्छा लगा दे सकते हैं, आप इंग्लिश में बोला उसने। फिर हम लोग उसके यहाँ सैंडल ले रहे, तो वो कह रही यू नॉट टच इट, उसके बाद उसका रवैया चेंज हो गया। नहीं, और ग्लासेस के लिए भी कह रही थी यू कैन नॉट टच इट। हाँ, तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले कि शाम को शायद ले ले वहाँ जाके। वापस आए लेट हो चुका था हम लोग को, तो वो शॉप नहीं मिली। हमें एक और शॉप मिल गई जहाँ पे जो हम लोग को दिखा रहा था, जो अटेंड कर रहा था, शी वाज सो गुड, शी वाज सो गुड कि हमने उससे कॉस्टली लिया, उससे महंगा ही ले लिया। और जो पसंद कर रहे हैं ये उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और ज्यादा अच्छा भी है, बेटर ही है। एंड एक्चुअली ये होता है ना, लेने वाले से ज्यादा मुझे लगता है आप ये ज्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप शोरूम में डील करते हो। अगर आप सामने वाले को बहुत ही अच्छा और अच्छा फील करा, अच्छे स्वभाव से दिखाओ, भले ही वो ना लेने भी आए तो भी आप अच्छे स्वभाव से दिखाओगे तो 100% फर्क आता है, बहुत फर्क आता है। अच्छा लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है वो इरिटेट हो जाते, लोग हो जाते हैं इरिटेट हो जाते हैं। हाँ। तो उस शायद आंटी का मूड में नहीं होगा, उनका दिल नहीं होगा कि हम लोग उनसे बाय करें, बट शी गॉट अ गुड शेड्स। हां, गाइस सो दीस आर डायमंड लाइक शेड ग्लासेस एंड ये लखनऊ में या मैंने कभी नहीं देखा है, बहुत ही रेयर क्लास पीस है। सो यस, हाउ डिड यू लाइक इट लेट मी नो। ये मेरे फेस कट पे भी सूट कर रहा है, एक्चुअली बहुत बड़े-बड़े दिन के फ्रेम्स होते हैं, वो मेरा फेस छोटू सा है, पूरा ढक जाता है। तो अब ये थे मेरे जितने भी गिफ्ट्स और जितनी भी चीजें मैंने अपने लिए खरीदी हैं।
तो इतना ही गाइस हमने शॉप किया मैंने बस बेसिकली। मैंने गए बस इतना ही हाँ एक रिंग प्रतीक ने ली, भी ड्रिंक ली हाँ, और पूरे स्टार्टिंग से इनका जो कि प्लॉट ही आपने कर रहा इंस्टाग्राम पे बहुत मेरे उसमें स्टोरीज में देखी होंगी, था। अगर जाके नहीं देखी जाके प्लीज जाके निशी मेंशन देखिए कर दो। डेफिनेटली। तो हाँ मैंने बस बिल्कुल। ये एक रिंग ली जो मुझे लगा काफी और फैशनेबल है, वो लड़की भी काफी, लड़की भी इतना हाँ प्लॉट करती है, ये मैं काफी बता रही हूँ। फैशनेबल है। अब बैठूंगा नॉर्मली तो दिखेगा ही, अब मैं ऐसे करूंगा तो भी दिखेगा ही। ऐसे करूँ। बस मैंने यही लिया। प्रतीक को अर्जेंटली जाना पड़ा बिकॉज उसको शोरूम जाना था, बहुत अर्जेंट वर्क आ गया, सो वी हैड टू टेक अ पॉज। सो आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइज हम लोग ने वीज़ा 4 मंथ्स पहले ही अप्लाई कर दिया था क्योंकि कोविड के टाइम पे इट वॉज लाइक कि वीज़ा जल्दी नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा पहले वीज़ा को सॉर्ट करना है। एंड ऑन हमने फिर फ्लाइट टिकट्स कराई एंड देन वी डिड गिव द एप्लीकेशन फॉर वीज़ा। सो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि 15 दिन में वीज़ा आ जाएगा एंड वी गॉट द वीज़ा विद इन 15 डेज। एंड हम लोग दिल्ली में ट्रैवल करके अपना वीज़ा कराया हम लोगों ने एंड क्वाइट इजिली 15 डेज में मिल गया। आई थिंक बेसिकली वो टूरिज्म में देखते हैं एंड आपका बैंक बैलेंस चेक करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट होता है, तो बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो आपको इजी वीज़ा मिल जाएगा। दैट्स वॉट आई वॉज टोल्ड अबाउट माई वीज़ा मैनेजर। तो यस उन्होंने ये चीज़ हमें थोड़ी बताई थी। तो हाँ हम लोग को 15 दिन में बहुत ही ईजिली वीज़ा मिल गया। सेकेंड पार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्रीस। सो पहले तो मैं बताऊँगी फूड। सो फूड कई कई जगहों पे हम लोग को मिल गया था, जैसे एथेंस में इंडियन रेस्टोरेंट के बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड जहाँ पे भी गए थे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी पे हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिल जा रहा था। सेकेंड वॉज सेंटरिनी। सेंटरिनी में मेन जगह है फीरा, वहाँ पे हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था। इया में जो मेन मार्बल रोड है जहाँ पे ब्लू कासल्स होते हैं वहाँ पे हम लोगों को खाना नहीं मिल पाया था। सो दैट वॉज आर वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। बट बाकी पिज्ज़ा वगैरह था एंड नॉर्मल इटालियन इटालियन वाली चीज़ें हैं। मिकिनस में इंडियन फूड तो नहीं खाया बट खाना वॉज वेरी गुड। रैप्स थे वहाँ पे, ग्रीक सैलड वाले रैप्स थे, फ्रेंच फ्राइज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहाँ का खाना वेज पिज्ज़ा ये बहुत अच्छा था। मिकिनस में हमें इंडियन फूड ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी बिकॉज हमें नॉर्मल खाना भी अच्छा लग रहा था एंड वी आर इन्जॉइंग दैट फूड। थोड़ी बहुत चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी, आप फुल्ली वहाँ के इंडियन फूड पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कुछ जगह आपको मिलेगा या कुछ कुछ जगह नहीं भी मिल सकता है। सो नेक्स्ट होता है ट्रैवल। नाउ ट्रैवल इन एथेंस इज ईजी, वहाँ पे फ्री नाउ एप्लीकेशन चलती है और ऊबर एप्लीकेशन चलती है। सो दोनों वहाँ पे ट्रैवल कैब्स के लिए है आपका ऑप्शन। सैंटरिनी में ट्रैवल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पे बसेस होते हैं और टैक्सी होते हैं। तो जैसे टैक्सीज में अगर आपको फीरा टू इया जाना है तो आपको 1 घंटे का वेटिंग टाइम मिल सकता है अगर आप बहुत ही रश वाले फेज में गए हो। अगर आप मेरे टाइम पे गए हो तो 10 मिनट में टैक्सी आ जाता है, बट अगर आप मई टू सितंबर के बीच में जाओगे तो वहाँ 1 आवर वेटिंग चलती है। ऑल्सो ज्वेलरी, डू चेक आउट द ज्वेलरी ऑफ मिकिनेस, जो वो स्ट्रेट स्ट्रीट है वहाँ की, अमेजिंग ज्वेलरी गोना गेट। सो हाईली रिकमेंडेड कि आप वहाँ पे ज्वेलरी जरूर चेकआउट करना। नाउ कम्स द वेदर। तो वेदर इट्स लाइक जब मैं यहाँ से गई थी तो 18 डिग्री सेल्सियस था, तो मुझे लगा ठीक है माइल्ड सी ठंड हो गया। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द वेदर ऑफ सैंटोरिनी कि भाई विंडी भी ऐसा टाइप का कोई वेदर होता भी है, लाइक विंडी वेदर भी होता है। सो व्हेन आई वेंट टू सैंटोरिनी, जब हम पहुँचे हम लोग की हालत ख़राब। तो एथेंस में जब पहुँचे तब बारिश हो रही थी, फिर नेक्स्ट डे धूप हुई तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई थी एथेंस में। बट देन व्हेन वी रीच टू सैंटोरिनी, भाई क्या हवा चली है वहाँ पे, हालत ख़राब। वी वेंट टू द वॉल्केनिक वाला ऊपर, इतनी तेज हवा, इवन दो हमने वो एंजॉय किया बट ऐसी हवा कि आपको चांटे मारे। हुडीज, विंड शीटर एंड एंड एन अम्ब्रेला, ये तीनों चीज़ें आप मेक श्योर करो कि आप अपने साथ कैरी करना ही करना है आपको। लास्ट जिसका सब लोगों ने बहुत पूछा कि व्हाट्स द बजट। सो गाइज एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन बजट। हमने मीडियम बजट लेकर चला एंड इट वॉज लाइक 50-50 फ्रॉम मी एंड फ्रॉम प्रतीक। 50-50 था, 50% उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था, 50% मैंने किया था बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम डेस्टिनेशन। सो आई ऑलरेडी यू नो टोल्ड प्रतीक कि देखो इस एनिवर्सरी में हमें जाना ही जाना है, लाइक वी हैव टू डू इट। मतलब अपना अमाउंट अलग करते रहो, तो आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि यू नो अमाउंट अलग कर लेना, हमें चलना है ट्रिप पे। तो ही वॉज वेरी मच यू नो इन फॉर इट कि ठीक है तुम्हारा मन है। एंड 4 to 5 lakhs अप्रॉक्स बजट आया, डिपेंड्स। अगर आपको और एक्सपेंसिव बनानी है ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बहुत और भी अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं फॉर गुड होटल्स, लिविंग, टैक्सी, जितना लग्जरी देना है आप दे सकते हो, बट हाँ वो थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमारा बहुत लो भी नहीं था और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था,
वी टुक अ मिडवे एंड ओवरऑल हमने बहुत मस्ती की, लाइक वी एंजॉयड थॉरली. रेस्ट आपको अगर कुछ भी और जानना हो अबाउट माई ग्रीस ट्रिप, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर यू. ये तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताने लायक चीजें हैं, सो आई टोल्ड यू. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल कीप कमिंग विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. बाय.